अहवाल डायरी एक बार फिर आपके सामने पेश करता है एक नया वीडियो जो लेंस ऑफ 23 नवंबर 2018। दो साल यादें आज भी ऐसी ही मन पे छाई हैं जैसे उस समय, जिस तरह से हमने जिया। जुड़ना जुड़ना मजा, इतनी जबरदस्त एनर्जी, इतनी जबरदस्त एनर्जी कि जो डांस नहीं कर सकते थे मेरे जैसे उन्होंने भी डांस किया। पर हमारा डॉन भाई अमिताभ बच्चन की एहसास कीजिए, खुद अपने आप को उसकी जगह रख कर दीजिए। देखिए आप भी डांस करें इसी एनर्जी में। हमारे शरीरों में बहती हुई उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। लेंस डाउन की छुट्टियां जिंदगी भर के लिए याद रखें। एक लंबे व्यस्त जीवन के बाद 3 या 4 दिन का अवकाश, वो भी लेंस डाउन जैसे खूबसूरत जगह पर, इतनी मस्ती, सभी के सभी जैसे मस्ती के सागर में डूब गए थे। इतना अच्छा तालमेल, शायद ही कभी इस बात की उम्मीद की जा सके कि यार दोस्तों में इतना खूबसूरत तालमेल बन सकता है। इसके लिए मैं अपने सभी यार दोस्तों की तारीफ भी करूंगा और उन्हें शुक्रिया भी करूंगा। दोस्तों गॉड ब्लेस यू। इस तालमेल के लिए, इस खुशियों के लिए और इतने खूबसूरत मोमेंट, मस्ती से बनाती और वो मस्ती हमारे शरीर में एनर्जी को भर रही है। भाग नहीं ले पाया अच्छी तरह से, बहुत झिझक थी और शर्म भी थी। इस ब्लॉग को मैं फैंटास्टिक 7 के साथ बोलूंगा। मैं आएंगा जो भी वीडियो दूंगा फैंटास्टिक 7 से, जो दोस्तों के साथ बुलाए गए हैं। ये सुबह 5:30 और 6:30 बजे मुझे ऐसे क्षण बहुत अच्छे लगते हैं। हम मोहन नगर और घंटा घर पर इकट्ठे हुए और निकल पड़े लेंस डाउन सुबह 6 बजे। रास्ते में रुके, ब्रेकफास्ट किया और फिर हमारी यात्रा शुरू। रास्ते में जो खूबसूरत जगह दिखी वहाँ हम फोटो लेते चले गए, रैंडम क्लिक्स, इतने फोटोग्राफ्स कि हमें एहसास हो गया था कि आने वाली यात्रा, आने वाला वक्त हमारे लिए मस्ती से भरा होगा। हमारा तालमेल यहीं पर बन गया था। पहाड़ों के बीच से गुजरना, खूबसूरत जगहों पर रोकना, एक दूसरे को छेड़ना और फिर बहुत सारे फोटो। हमारा डॉन, ये हमारा अमिताभ बच्चन, लेंस डाउन। हम लगभग 2:30 या 2:45 बजे पहुँचे, उसकी खूबसूरती को निहारे ब्लू पाइन रिसोर्ट्स जहाँ हमने कमरे बुक किए थे। पहुँचते ही हम सब हैरान हुए। हम चाहते थे कि हम उस वक्त का इस्तेमाल करें, लंच करने के बाद हम निकल पड़े घूमला। बहुत सारी जगह हैं वहाँ घूमने के लिए, लेकिन अब सभी पे नहीं घूम पाए। ये तो रिसोर्ट्स के ही कुछ रैंडम क्लिक्स। दोस्तों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमारे वीडियो को शेयर करो। हालांकि ये वीडियो एकदम करंट नहीं है, पुराने खींचे गए फोटोग्राफ्स को सिर्फ एक एल्बम का रूप देकर आप लोगों के आगे पेश किया जा रहा है, लेकिन तब भी उस ऊर्जा, उस एनर्जी को आप लोग महसूस कर सकते हैं।
पहाड़ों के बीच। इबादत है मुस्कुराना, ये खुदा की इबादत है। हमने पूरे की पूरी यात्रा और पूरे के पूरे वेकेशन में सिर्फ उस खुदा की, उस भगवान की इबादत ही की। आखिर हम थे भी तो उसी की गोद में, कुदरत की गोद में। बुल्ला लेक झील थी, मिलिट्री ने इसे मेंटेन किया था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सारे अनगिनत फोटोग्राफ, चेहरे पे मुस्कुराहटे हैं, दिल में उम्मीदें, मस्ती और छेड़छाड़, जैसे कि 21 और 20 साल के बच्चे करते हैं। फिर इबादत मुस्कुराहट चेहरे पर। देखें अंदर की खूबसूरती भी दिखाई देती है जब चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। हम उस अपने दूसरी डेस्टिनेशन टिप टॉप के लिए रवाना होंगे। टिप टॉप से लिए गए एक फोटोग्राफ ध्यान से देखें, ये है टिप टॉप, ये पूरे लेंस डाउन का सबसे ऊंची चोटी थी। देखें ध्यान से, माना कि हमारे पास कैमरे बहुत प्यारे नहीं थे, ये सब मोबाइल से खींचे गए फोटोग्राफ्स हैं और वीडियोज हैं। हमने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि हम कोई वीडियो या कोई वीडियो यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे, ये सब हमारी यादें थी। ये मस्ती देखें, मुस्कुराहटे देखें, एक एक क्षण को हमने जिया और अपने मन में कैद किया, उसे यादों में इस तरह से संग्रह कर लिया कि जब जी चाहे नजर झुकाएं और उसे जी लें। आप सब भी अपनी जिंदगी की यादों को इस तरह से संग्रह करते हैं और हम भी। गहरी घाटियों में मुस्कुराहटों के साथ मैं दिग्गी यहां देखें हमारे सुरेंद्र भाई, विजय भाई को कुछ सुरेंद्र, ओ सुरेंद्र, विजय भाई की कोई रुचि नहीं, लेकिन इस समय की ठंड, इस समय का तापमान शायद 7 या 8 डिग्री के आसपास होगा। ये तो उस बात हमारे मनोज भाई ठंड से कप कप आ रहे और जल्दी होटल चलने की जिद कर रहे थे, लेकिन हमने बहुत सारे फोटोग्राफ फिर भी ले ही लिए। चेहरे पर मुस्कुराहटों को सजाकर पहाड़ों के बीच, पहाड़ों को तो खूबसूरत किया ही, अपनी अंतरात्मा को भी साफ। वापस अपने जितना वक्त हमने टिकटॉक पर गुजारा उससे कहीं ज्यादा हमने यहाँ मिला इस मस्ती के साथ। ये वो वक्त होता है जहाँ छेड़छाड़, मस्ती, दूसरों को छेड़ना, कमेंट्स करना और पुरानी यादें को ताजा, जो वक्त हमने एक साथ गुजारा। क्योंकि भाई कहाँ से लाया ये मूंगफली पीनट्स, हमें नहीं, म्यूजिक, मस्ती और पीनट्स, हमने तीनों का भी भरपूर मजा उठाया। मैं, दोस्त, मस्ती, मूंगफली और तनाव तो बिल्कुल भी नहीं, हम तनाव नहीं थे, दीपक भाई का है। इसके पीछे मैंने भी गया, सुन दिल की दास आवाज, ये रात ये चांदनी फिर कहा, सुन जा दिल की दास्तां, बस वो 2-4 बोली सुना फिर कहा, सुन जा दिल की दास्तां, तुझे जो भी देख लेगा किसी का न बन सकेगा। कैरम बोर्ड हमारे मैचेस में कोई नहीं आता, मनोज और दिग्गी का टेबल टेनिस, ये आ गई वो रात डीजे पार्टी। इस रिसोर्स में हर रात डीजे नाइट लगभग 9 बजे आराम होती है और 10:30 तक चलती है। उसी डीजे पार्टी में लिए गए वो फोटोग्राफ्स जो पूरी तरह से मस्ती में डूबे हुए हैं, दुनिया की परवाह से दूर, सिर्फ अपनी खुशी को तलाशते हुए, उसको जीते हुए। इतनी रात के फोटोग्राफ हैं अंधेरे के,
क्योंकि इनमें नॉइजेस बहुत है। खुद समय तक तो हमें मोबाइल की फोटोग्राफी भी नहीं आती थी। ये देखो, मैंने नाचा जी जट कर, आता ही नहीं था डांस। इस मोमेंट दिल से महसूस कीजिए। देखिए इतनी मस्ती है, हर चांद हंस सके। एक ऊर्जा, एक एनर्जी जो शरीर में घूमती हुई और आपको डांस फ्लोर पर लाने के लिए मजबूर करती है। भरा हुआ डांस फ्लोर, अपने इतने तरह समझते हैं, कुछ पीकर करते हैं और कुछ बिना पिए। मैं तो ड्रिंक नहीं करता। ये डीजे नाइट के खत्म होने के बाद लेंस डाउन में जो बाहर सारे कहानियां बनाते रहते हो अपने दिमाग से। हंसी देखिए। इसके बाद एक और वीडियो लेंस डाउन का पार्ट टू का, हमने चार दिन वहां गुजारे। ये सिर्फ एक ही दिन था, ये उस दिन की रात जब हम अपने बेडरूम के लिए जा रहे थे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें प्लीज। आपकी सब्सक्राइब करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।